10 लोकसभा आणि 10 विधानसभांचा दांडगा अनुभव। शह आणि काठ शहाचे राजकारण, जनतेच्या प्रश्नांना नेत्यांची उत्तरे, समाजकारण आणि राजकारण, मस्त नेते आणि त्रस्त जनता, काय म्हणतो 5 वर्षांनी दिसणाऱ्या नेत्यांबद्दल समाज। एक बार फिर से अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों पर उछाला जाएगा कीचड़। काय आहेत सर्वसामान्यांच्या समस्या, जनतेचा तोंड कोणाला, भाजपचे ना युतीला की काँग्रेस राष्ट्रवादी आघाडीला, शय और मात के इस खेल में किसकी बनेगी बात और कौन रहेगा साथी हाथ। प्रत्येक गाँव आणि शहर हम आए आपकी समस्या जानने के लिए। महाराष्ट्रातल्या तमाम जनतेचे प्रश्न घेऊन येत आहोत। बघत रहा निवडणूक रणसंग्राम 2019 फक्त विदर्भ न्यूज आणि VCN न्यूज वरती। चलिए एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है VCN न्यूज के खास प्रोग्राम निवडणूक रणसंग्राम 2019 में। मैं हूं शम्स अंसारी और आप देख रहे हैं VCN न्यूज। हम एक बार फिर से आपके बीच हाजिर हैं एक नए मेहमान के साथ, जिनसे हम चुनावी मुद्दों पर बात करेंगे, जिनसे हम पूछेंगे कि आखिर एक वक्त में मुंबई से लेकर पूर्वोत्तर के आखिरी राज्य तक जिस कांग्रेस की चादर फैली हुई होती थी, आज क्यों उस कांग्रेस को बैसाखियों की ज़रूरत पड़ रही है। जी हाँ, हमारे साथ हमारे इस खास प्रोग्राम में स्टूडियो में मौजूद हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस अमरावती कमेटी के शहर अध्यक्ष किशोर बोरकर। किशोर बोरकर जी, आपका स्वागत है। किशोर बोरकर पिछले 35 सालों से एक समर्पित कार्यकर्ता के तौर पर अमरावती शहर में कांग्रेस की सेवा कर रहे हैं। सिर्फ शहर में ही नहीं बल्कि पूरे ज़िला में इनका एक अपना अस्तित्व है। और कुछ गिने चुने ऐसे नाम हैं मौजूदा दौर में कांग्रेस पार्टी जिनके इर्द गिर्द अमरावती शहर में घूमती हुई नज़र आती है। लेकिन इस बार अमरावती शहर से, अमरावती ज़िला से UPA समर्थित उम्मीदवार के तौर पर विधायक रवि राणा की पत्नी नवनीत राणा मैदान में हैं। उनके सामने हैं बीते 2 लोकसभा चुनावों में प्रचंड मतों से जीत हासिल कर चुके आनंदराव अड़सू। क्या है चुनावों का समीकरण और किस तरह शह और मात के इस खेल में प्यादे बिछाए गए हैं और क्या रणनीति है अपने विपक्षियों को भेदने के लिए, इस पर हम बात करने वाले हैं किशोर बोरकर से। किशोर बोरकर जी, सबसे पहले आप ये बताइए कि इतनी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी जिसे हम इंदिरा कांग्रेस कहते थे, वो इंदिरा जिसे अटल बिहारी वाजपेयी ने दुर्गा का अवतार कहा था, उस इंदिरा की कांग्रेस की परिस्थिति आज ऐसी क्यों हो गई कि उन्हें बैसाखियों का सहारा लेना पड़ रहा है? देखिए, आपका सवाल सही है, लेकिन अगर आप थोड़ा इसमें स्टडी करेंगे तो भारत में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में आप अगर देखेंगे तो सभी जगह ऐसा हो गया है। आघाड़ी की सरकार, आज मेरे नॉलेज से मैंने सुना है कि 159 देशों में आज भी आघाड़ी की सरकार है। वो दौर चले गया, किसी एक पक्ष की जो एक जिम्मेदारी रही थी वो अभी नहीं है। आघाड़ी सरकार का दौर ही सभी जगह चल रहा है, विदेशों में भी ऐसा ही है। अपने भारत में इस तरह का कांग्रेस पार्टी के साथ में जो कुछ हुआ, रीजनल पार्टियां जो सामने आई हैं, और रीजनल पार्टियां आम लोगों के, ग्रास रूट के लोगों के जो मुद्दे लेकर जो सामने आई है, तो इसी वजह से आघाड़ी की सरकार बन गई है। उसमें कांग्रेस से भी कुछ लोग जो बाहर निकले, उन्होंने ही आघाड़ी सरकार स्थापन की, जो जिसको अपन कहेंगे कि गड़बाजी के वजह से ऐसा हुआ है। लेकिन इतना होने के साथ में जब इलेक्शन का दौर आता है तो समविचारी जो अपने पार्टी रीजनल पार्टियाँ रहती है, समविचारी जो पक्ष रहते हैं उनको साथ में लेके गठबंधन की सरकार बनाना आज का समय है। और इससे एक फायदा ये भी होता है कि सभी को न्याय मिलने का, सभी को सरकार की योजनाओं में, पार्टियों में सहयोग देने का भी एक वो नज़रिया बन गया है, एक वो सिस्टम बन गया है। ऐसा कुछ नहीं है कि पार्टी ने जानबूझ के ऐसा किया, ऐसा नहीं है। ये समय का दौर है,
उसके साथ में पार्टी को रहना पड़ता है। आपको क्या लगता है 2014 के चुनावों के बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की जो छवि मीडिया ने बनाई थी, जिस तरीके से उनको देश के सामने पेश किया गया था, उस छवि को तोड़ने में आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष कितने कामयाब हुए? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखिए, मीडिया ने, खास करके सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इन्होंने हमारे राहुल जी की बहुत टिंगल टवाड़ी की है, अपने देखे हैं, लेकिन उसको उन्होंने नज़रअंदाज किया है। देखिए, सबसे पहला उनका जो चुनाव गुजरात का, गुजरात में तो हमारी 26 जो सीट्स है वो बस 5,000-6,000 से पीछे रह गई। इसका मतलब वहाँ, और वो भी अकेले चुनाव राहुल जी ने वहाँ का कॉन्टेस्ट किया था, कैंपेनिंग किया था, और वैसे भी गुजरात में आज ही हमारी सरकार आ चुके, थोड़ा आंकड़ा इधर उधर का रह गया है, लेकिन उनकी मेहनत रंग वहाँ लाई। कुछ भी करो, मीडिया ने बोलो कुछ, ये आरएसएस बीजेपी ने उनके बारे में जो फंडे बनाए थे प्रीस में, व्हाट्सएप में, सोशल मीडिया में, वो भी काम में आई नहीं। उसके बाद देखो आप, कर्नाटक का चुनाव हुआ, वहाँ भी उन्होंने खुद कैंपेनिंग किया। अभी मध्य प्रदेश देखो, राजस्थान देखो, यानी जब से उन्होंने, मध्य प्रदेश से याद आया कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के चुनावों में जिस तरीके से कांग्रेस ने बाजी पलटी थी, और 2014 से जो, उसके पहले 2013 से जो हार का सिलसिला शुरू हुआ था, वो सिलसिला भी आपको बता दूं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान से शुरू हुआ था, वहीं पर आकर आपने इस हार के तिलिस्म को तोड़ दिया। नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो एक अपराजय जोड़ी थी, पहली बार ये पता चला देश को कि इस जोड़ी को हराया जा सकता है। उसके बाद एक सॉन्ग है, बहुत पुराना गाना है, आरंभ है प्रचंड है, उस गाने को आप लोगों ने लॉन्च किया, लेकिन क्या वो आरंभ और प्रचंड और वो विजय का दौर 2014 में, 2019 में कायम रहेगा? बिल्कुल। देखिए ना, जब से राहुल जी ने पार्टी की कमान संभाली, ग्राफ बढ़ता दिखा है, गुजरात, कर्नाटक और ये तीन राज्य, और वो भी खास करके हमारे पास भी सीनियर नेता है, लेकिन अभी समय का तकाजा है। अभी आज 65% यंग पर्सन अपने वोटर्स में आया है, वो चाहता है कि नए कुछ होना, तो मोदी एक तरफ, मोदी की टीम एक तरफ और राहुल अकेले एक तरफ, उन्होंने खुद के बलबूते पे आज पार्टी को यहाँ तक लाया है। जब से उन्होंने कमाल संभाली अभी तक पार्टी आगे ही आई है, ग्राफ आगे बढ़ता रहा है। एक छवि सोशल मीडिया पर आज भी बहुत छाई हुई है, उस छवि का नाम है नरेंद्र मोदी। क्या आपको लगता है राहुल गांधी के तरकश में वो तीर हैं जो कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के मजबूत किले को भेद पाएंगे? बिल्कुल। देखिए, राहुल जी आज ग्रास रूट में जाके, देश के युवाओं में जाके, कॉलेजेस में जाके, उनसे उन्होंने सुसंवाद साधा है, उनसे रूबरू किया है। यही नहीं तो पिछले, आप 3-4 साल का पहला थोड़ा सा मैं स्मरण करके देना चाहता हूँ। देखिए, वो दलित के घर पे गए, आदिवासी के घर पे गए, जो परिस्थिति वहाँ थी वो परिस्थिति में उन्होंने खुद रखे देखा, जो उनके यहाँ खाना बना था वो भी खाना उन्होंने खाया, इस पर टीका हुई, ये नाटक है। लेकिन मैं ये दर्शकों को ये बताना चाहूँगा इस माध्यम से, फिर वो नाटक किसी ने क्यों नहीं किया? राहुल जी ने ये कहा था, मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि मुझे ऐसे कार्यकर्ता और ऐसे पदाधिकारी की आवश्यकता है कि जो खुद के बलबूते पे पार्टी के काम कर रहे हैं। जैसे मैं आज, मैं राजीव गांधी का लड़का हूँ करके मुझे जो आज ये मिलता है रिस्पॉन्स, लेकिन आम कार्यकर्ता को भी मिलना चाहिए। इसीलिए सभी आम कार्यकर्ता से उन्होंने शक्ति ऐप के माध्यम से पार्टी की छवि, पार्टी के प्रोग्राम उन्होंने डायरेक्ट दिया। आज भी हमारे छोटे से कार्यकर्ता को राहुल जी का प्रोग्राम, मैसेज सारे आते हैं, डायरेक्ट हम टच में हैं। ये राहुल जी ने बहुत अच्छा काम किया है। ये बात जो आपने छेड़ी, ये सवाल मेरे जहन में नहीं था, लेकिन आपकी बात से आ गया। कांग्रेस पार्टी पर एक आरोप लगता है, बेटा भतीजावाद की पार्टी। कई एग्जाम्पल्स भी विरोधी देते हैं,
जैसे नेहरू जी के बाद इंदिरा जी आ गई, इंदिरा जी के दौर में ही संजय गांधी जी का दौर चला था, उनकी मृत्यु के बाद राजीव गांधी आ जाते हैं, उसके बाद गांधी परिवार के हटने के बाद कांग्रेस पार्टी की जो छवि हुई वो पूरी दुनिया ने देखा, हर कोई जानता है। आखिर में फिर सोनिया गांधी के नाम पर पार्टी को सहारा मिला, पार्टी वापस सत्ता में आई। 10 सालों में जो कुछ हुआ जो कुछ नहीं हुआ, पार्टी का ग्राफ गिरा। उस बीच राहुल गांधी को लॉन्च करने की बार बार कोशिश की गई, लेकिन नरेंद्र मोदी की छवि के आगे राहुल गांधी फीके पड़ गए। वैसा ही कुछ अमरावती में भी हुआ। महामहिम पूर्व महामहिम प्रतिभाताई पाटिल के बेटे राव साहेब शेखावत को यहाँ पर लॉन्च किया गया। उसके बाद पूर्व पालक मंत्री और कार्यकर्ताओं पर और जनमानस पर मजबूत पकड़ रखने वाले विधायक सुनील देशमुख पार्टी छोड़कर चले जाते, और सुनील देशमुख के जाने के बाद पार्टी कैडर को जो नुकसान हुआ, उतना मजबूत कैडर उनके बाद कोई और नेता कांग्रेस के लिए बना नहीं पाया। देखिए, आप डॉक्टर सुनील भाऊ देशमुख के बारे में सवाल पूछ रहे हैं, मुझे कुछ ज़्यादा मालूम नहीं, लेकिन थोड़ा फार मालूम है कि वो टाइम उनसे हाई लेवल पर सभी उनसे डिस्कस हुआ था कि आपको पार्टी का साथ में रहना है, जो भी आपका टेटस है वो टेटस आपका कायम रहेगा, ऐसा यानी वो पार्टी से निकल जाना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं था। सारी जगह से सभी तरफ से उनको मनाने की फुल कोशिश की। तब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख थे, वो उनके करीबी थे, उन्होंने भी बहुत प्रयास किया। विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री नहीं, 2009 में जब चुनाव हुए थे ना, अशोक राव चौहान मुख्यमंत्री थे, विलासराव देशमुख मुंबई हमले के बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। हाँ, तो ठीक है, विलासराव जी ने भी प्रयास किया, उनसे डिस्कस किया, तो भी उन्होंने माने नहीं। हाँ, ये बात जरूर है कि वो कार्यकर्ता में उनकी पकड़, ये बात मैं उसमें डिनाई नहीं करूँगा, वो सही है, मैंने भी उनके साथ काम किया हूँ, मैं भी उनका कार्यकर्ता था, लेकिन राव साहब के भी काम की पद्धत आपको देखनी पड़ेगी। ठीक है, पहले वो डायरेक्ट आ गए ऐसा लोगों का कहना है, लेकिन ऐसा नहीं है, उसके पहले भी उन्होंने बडनेरा मतदार संघ से टिकट मांगी थी, वो भी कुछ एकदम डायरेक्ट नहीं आए, राजकारण में वो भी थोड़े फार ये थे, इन्वॉल्व थे, बडनेरा मतदार संघ से उन्होंने टिकट मांगी थी, वो नहीं मिल सकी। बाद में फिर परिस्थिति ऐसी कुछ बदली कि उनको अमरावती से टिकट दिया गया, लेकिन आज भी राव साहब के काम की पद्धत आप देखेंगे, वो सभी को मिलते, मीटिंग्स हो रही है, कार्यकर्ताओं को मिलते, अब थोड़ा फार वो तो चलते रहता है, और अब अपना स्वभाव है, सुनील देशमुख एकदम आक्रामक है, राव साहब नॉर्मल है, लेकिन नॉर्मल होने के बाद भी वो लोगों से डायरेक्ट मिलते हैं, संपर्क बना के रखते हैं, और दोबारा अमरावती से उम्मीदवार वही रहेंगे ऐसी परिस्थिति, और चुनकी भी आएंगे ऐसी परिस्थिति आज हमें यहाँ दिख रही है। क्या बुनियाद है जिसके ऊपर आप डॉक्टर सुनील देशमुख की जादुई छवि का जो तिलिस्म है अमरावती में, उसको तोड़ने की बात कर रहे हो? देखिए, आज पूरे देश में मोदी सरकार के जो जुमले हैं ये सभी लोगों ने देखा है। आज डॉक्टर सुनील देशमुख भाजपा के यहाँ MLA है, और वैसे देखे जाए तो भाजपा के टिकट से ही वो खड़े रहेंगे, ऐसा तो आज के दौर में दिख रहा है, और भाजपा ने यहाँ पर क्या किया वो बताने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, राव साहेब जी ने, आदरणीय प्रतिभाताई जी ने जो बड़े बड़े यहाँ काम लाए हैं, मैं ये दर्शकों को ये पूछना चाहूँगा इस माध्यम से कि इतना बड़ा डॉक्टर सुनील देशमुख, इनका अच्छा नेतृत्व रहने के बाद भी उनको भी कुछ यहाँ विकास के काम के लिए भाजपा ने मदद ही नहीं की, और उन्होंने भी अपना खुद का जो एक उनका खास काम करने का जो नज़रिया है वो उन्होंने यूज किया नहीं किया मालूम नहीं, लेकिन खास काम आज वो यहाँ शहर में ला नहीं सके, ये वास्तव है। एक बात बताइए, बीते 4.5 सालों से आप लोग सेंटर में भी विपक्ष में हो, महाराष्ट्र में भी विपक्ष में हो, अब तो महानगर पालिका में भी विपक्ष में हो, लेकिन इन सब के बीच अमरावती ज़िला में एक बहुत बड़ा मूवमेंट चला, बड़ी राजा प्रकल्पग्रस्तों का। किसी को 1884 के कायदे के अनुसार मुआवजा मिलता है,
और किसी को 2013 के नए कानून के तहत। उन प्रकल्पग्रस्तों ने मतदान पे बहिष्कार डाल दिया और आप विपक्ष में रह के इतना बड़ा कैच, इतनी बड़ी मिसलीडिंग आपसे हो रही है कि लगभग 70 से 80 हज़ार लोग मतदान को बहिष्कार कर रहे हो, लेकिन आप उनका विश्वास नहीं जीत पा रहे हो, जबकि विपक्ष का काम होता है कि इस तरह के आंदोलनों को बल दे। और मैं ये इसलिए भी पूरी प्रमाणिकता के तौर पर कह रहा हूँ कि मैं 4 दिनों तक उस मूवमेंट को कवर करता रहा जब बड़ी राजा प्रकल्पग्रस्त के किसान जिलाधीश के कार्यालय पर जमा थे, लेकिन न कांग्रेस, न राष्ट्रवादी और न आपके समर्थित उम्मीदवार वहाँ पर पहुँचे और ना ही उनका विश्वास जीतने की कोशिश की। तो मिसफील्डिंग तो कहीं ना कहीं आपसे भी हो रही है। नहीं, देखिए, जहाँ तक मेरी जानकारी है, ये स्कीम, इस योजना के बारे में आपने देखा होगा, हमारे आमदार वीरेंद्र जगताप, यशोमती ताई, बबलू देशमुख, इन्होंने बार बार इस विषय पर जिलाधिकारी कार्यालय में अच्छा खासा धरना दिया है। 5-5 घंटे रुक के जिलाधिकारी को पसीना पोछा है उन्होंने, और इस विषय पर उन्होंने जो जो विपक्ष ने करना चाहिए वो उन्होंने किया है। वो ग्रामीण लेवल का मुद्दा आता है, हम भी उसमें, हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारी इन्वॉल्व थे, ऐसा नहीं कि हम भी नहीं हैं, वो जो करना था उन्होंने किया है। वीरेंद्र जगताप ने तो बहुत बड़ा आंदोलन किया था। तो इतने महत्वपूर्ण चुनाव में विश्वास जीतने में कहाँ कमी रह गई कि उन्होंने सत्तारूढ़ पार्टी को तो नकारा, विपक्ष को भी नकार दिया। किन्होंने? प्रकल्पग्रस्तों ने। उनके गांवों पर बोर्ड लगे हुए हैं बोरकर साहब, सही है, कि कोई भी प्रत्याशी यहाँ पर ना आए। देखिए, ये बात सही है, उनका, उनके जो भी भावनाएं हैं, उनको जो तकलीफ हो रही है उनमें हम सहमत हैं, लेकिन अभी मैं कुछ हमारे वरिष्ठों को या इन नेताओं से भी इस बात का मैं डिस्कस करके उनके नॉलेज में ये बात लाने की पूरी प्रयास करूंगा, और वहां जाके और उन लोगों को मिलके ये जितना हम उनके लिए कुछ कर सकते वो ज़रूर करने की मैं पार्टी लेवल पर कोशिश करेंगे। अभी यशोमती जी का आपने नाम लिया, उससे याद आया कि यूपीए के इतने बड़े नेता की सभा हुई सांस्कृतिक भवन में और यशोमती जी नज़र नहीं है। नहीं, देखिए, ताई कर्नाटक की प्रभारी है और मैंने कुछ देखा है, आज देखा व्हाट्सएप पर, वो एयरपोर्ट पे पवार साहब के साथ में उनके फ़ोटो भी आए हैं, उसमें अनिल देशमुख भी थे। वो कर्नाटक में कुछ ऐसे इस मीटिंग के लिए वो वहाँ गई है, और ये भी सुना था कि उन्होंने रवि राणा जी को इस बात बताया था। एक जुमला चला था, आपके संज्ञान में आया होगा, अविश्वास को दंपत्ति। नहीं, ऐसी तो कोई बात हमारे सामने तो आई नहीं। आप इतने वरिष्ठ नेता हैं और कार्यकर्ता हैं अमरावती ज़िला के, और आपके संज्ञान में आप ही के पार्टी से उठी भी बात ना आई हो, इसे मैं तो एक जर्नलिस्ट होने के नाते नहीं मान सकता। ठीक है, देखिए, आपका कहना है कि यशोमती ताई ने ये बात कही है, तो अब उन्होंने कहाँ कही, क्या कही, कभी कभी क्या होता है, आपको भी मानना पड़ेगा, आप मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हो, यहाँ तो नहीं हो सकता ऐसा, क्योंकि यहाँ रूबरू डायरेक्ट हमारा टेलीकास्ट रहता है, लेकिन प्रिंट मीडिया में कहीं ऐसी बातें बहुत बार देखी जाती है कि जो जब कुछ प्रिंट होके आता है प्रेस में, वो कभी कभी उन्होंने कहा भी नहीं रहता तो भी वो आ जाता है, तो हो सकता ऐसा भी हो सकता, या इस विषय पर मेरे नॉलेज से हमारी ताई यशोमती ताई इसका अच्छे से जवाब दे सकेंगी। तो वो तो मैं ताई से पूछ लूँगा जब भी मौका मिलेगा, लेकिन आप ये बताइए, क्या इतने बड़े राष्ट्रीय दल को, इतनी बड़ी रीजनल पार्टी राष्ट्रवादी, जिसके सहयोग से आप लोगों ने 15 सालों तक महाराष्ट्र में सत्ता का सुख भोगा, एक कैंडिडेट नहीं मिल पाया जिसे आप लोकसभा चुनाव लड़वा सके? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, आपने ही एक इसके पहले सवाल किया था कि ये गठबंधन, ये युति सरकार अभी वैसा ही आया है, तो महाराष्ट्र की पर पूरे देश में जो परिस्थिति वो महाराष्ट्र में भी है, सभी दलों को लेके पार्टी का चुनाव लड़ना आज की एक समय का तकाजा बन गया है। आपके गठबंधन की उम्मीदवार ने 2016-17 में बयान दिया था, मुख्यमंत्री मुझे अपनी बहन मानते हैं, इसलिए मैं राष्ट्रवादी पार्टी छोड़ रही हूँ, और अगर वो मुझे बुलाएंगे तो भाजपा में जा सकती हूँ। आपको क्या लगता है, यही बयान दोबारा दोहराया नहीं जाएगा 19 के बाद? नहीं, ऐसा कुछ इसीलिए नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए, नवनीत जी ताई राणा, ये
इनका एक गठबंधन बना है उन्होंने, राजू सेट्टी जी, हितेंद्र ठाकुर और इनका, ऐसा तीनों ने बना के वो महाआघाड़ी में इन्वॉल्व हुए हैं। और जहाँ तक अभी सभी तरफ से उनको इस बात का प्रेशर बना हुआ है, सभी तरफ से जो भी आघाड़ी में है, एनसीपी है, कांग्रेस है, सभी बड़े नेताओं, आज भी पवार साहब ने कहा है कि वो ऐसा करेंगे नहीं। और खुद नवनीत तई ने भी आज उनके प्रास्ताविक में बोला है कि मैं, मेरे पे जो ऐसे आरोप हो रहे हैं वो मैं ऐसा करूँगी नहीं। और आघाड़ी का भी एक बताना चाहूँगा, जो बातें चल रही है कि वो जा सकते, ऐसा कर सकते, तो देखिए ये कोर्ट का डिसीजन आया था कि इलेक्शन के पहले जो गठबंधन होता है वो बंधनकारक रहता है, चुनाव लड़ने से पहले यानी चुनाव का रिजल्ट आने से पहले जो गठबंधन बनता है वो बाइंडिंग रहता है, चुनाव के बाद में जो गठबंधन होता है वो लीगल नहीं रहता, ऐसा कुछ कोर्ट के भी डिसीजन आए हैं। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि अभी ऐसा अगर किसी के दिल में आ भी सकती है तो बात वो कर नहीं सकेंगे। तो ये जो कोर्ट का फैसला था, ये नीतीश कुमार के यूपीए छोड़ने के बाद आया था या पहले आया था? ध्यान में नहीं आ रहा मुझे उतना, लेकिन ऐसा एक डिसीजन लगा है कि चुनाव के पहले जो गठबंधन होता है उसमें से अगर कोई बाहर अगर निकलता है अपनी सोच के मुताबिक तो उन पर कार्रवाई हो सकती है। अमरावती लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में 20% के करीब देश की सबसे बड़ी माइनॉरिटी मुस्लिम मतदाताओं के वोट, उन मुस्लिम मतदाताओं में भी ये भरम है, हम ग्राउंड लेवल पे घूमते हैं, हम लोग जर्नलिस्ट हैं, कि मान लीजिए हमने बीजेपी के विरोध में या शिवसेना के विरोध में रवि राणा की पत्नी नवनीत राणा को वोट दे दिया, वो जीत कर आ भी गई, तो क्या इस बात की क्या गारंटी है, इस बात पर कैसे भरोसा किया जाए कि अगर अगर कांग्रेस या यूपीए की सत्ता नहीं बनती है तो वो भाजपा का दामन नहीं थामेंगे? नहीं, मैंने अभी कहा ना कि जो गठबंधन हुआ, ये भरम मैं, वो आपने जवाब दे दिया ठीक है, लेकिन ये भरम मतदाताओं में है, आप उसे कैसे तोड़ेंगे? नहीं देखिए, ये इसके लिए जो हमारी मीटिंग्स हो रही है, जो प्रचार हमारा हो रहा है, इसमें ये मुद्दा अगर आता है तो उसका जवाब हम समाधान कार्यकर्ताओं का, नागरिकों का कर रहे हैं। और हमारे पर, हमारे जो मतदाता कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, उनको भी हमारे पर विश्वास है और वो हमारा वैसा सुन रहे, उनका समाधान करने की पूरी कोशिश वो हो रही है। वैसे भी रवि राणा कुछ नए उम्मीदवार नहीं है, उनकी भी फील्डिंग आज 4-4.5 साल से है, वो भी डायरेक्टली मतदाताओं में, कार्यकर्ताओं में, पदाधिकारी में डायरेक्ट उनका संपर्क है। और राणा कुछ ऐसे मेरे तो भी नॉलेज से वो किसी के भरोसे तो नहीं है, लेकिन गठबंधन के साथ में तो हम साथ में हैं, उनको भी होना, लेकिन उनकी खुद की भी एक अलग यंत्रणा, खुद का भी चुनाव लड़ने का उनका मंसूबा बन गया था, उन्होंने वैसा डिक्लेयर भी किया था और उनके लेवल पर वो भी सभी को इस बात से वाकिफ कर रहे हैं। जो विधायक आज तक बडनेरा विधानसभा क्षेत्र की परिस्थिति नहीं बदल सका, बडनेरा को अमरावती शहर के मुकाबले मुख्य धारा में नहीं ला सका, क्या आपको लगता है कि अगर उसी परिवार के पास सांसद पद चला जाए तो धारणी, मेलघाट, परतवाड़ा और जो आदिवासी बहुल क्षेत्र हैं उनकी स्थिति बदल जाएगी? देखिए, रवि राणा, नवनीत राणा, इनकी जो काम करने की जो एक स्टाइल है आक्रामक है। देखिए, रवि राणा की एक बात कहूँगा मैं आपको, हर 7-6 महीने में आता है प्रेस में कि उन्होंने मुख्यमंत्री से डायरेक्ट निधि लाया 50 करोड़, फिर यहाँ के लोकल भाजपा उन पर विरोध करते हैं, वो सीएम तक गए भाजपा के नेता, कार्यकर्ता, पदाधिकारी कि भाई इनको अपनी निधि कैसा दिया, तो अमरावती के लोगों ने देखा, उस पर भी सीएम के ऑफिस से लेटर आया कि नहीं, जो राणा को हमने निधि दिया वो सही है, वो काम करेंगे। तो यही तो है राणा की स्टाइल, राणा कुछ भी रहो वो उनके लेवल पर उन्होंने निधि सेपरेट लाया, भाजपा का लोगों ने प्रेशर भी किया, पालक मंत्री ने भी प्रेशर किया, लेकिन ये भी देखने को मिला कि वो निधि डाइवर्ट हुआ नहीं, राणा के ही कंट्रोल में वो निधि से उनके मतदार संघ में काम हुए वो अपन ने देखे। आप बताइए,
लगभग 2.5 साल पहले। वो बोट की फुटेज आज भी VCN के पास है। जिस परिसर में मैं रहता हूँ वहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ था कि 2016 में फला तारीख को फला वक्त विधायक रवि राणा ने इस DP रोड का भूमि पूजन कर डाला। 2.5 साल बाद उसी बोर्ड के पास एक दूसरे रास्ते का भूमि पूजन विधायक के हाथों से होता है। उसी बोर्ड पर नई पेंटिंग हो जाती है। DP रोड तो अपने गड्ढों से बेहाल था। जिस रोड का भूमि पूजन हुआ, 7 महीने हो चुके उस रोड का भूमि पूजन हुए, उस पर भी अभी तक कुछ हुआ नहीं। तो जो ये झांसा देने वाली छवि एक जनता के बीच, जनता को भी देखिए, जैसे 2014 के BJP के वादे थे वो पूरे नहीं हुए तो जनता को समझ में आया कि अरे नहीं यार, ये वादे तो केवल ऐसे ही थे जैसे भी थे। तो वही चीज़ें रवि राणा के बारे में भी जनता को समझ में आ रही हैं धीरे धीरे। तो कहीं ऐसा ना हो कि असर उल्टा पड़ जाए। वैसे भी पिछले चुनावों में उनकी पत्नी को बहुत ज़्यादा वोट बडनेरा से दिलवा नहीं पाए थे। आनंद राव अड़सुल ने लीड की थी बडनेरा से। तो देखिए, अभी आपने जो ये मसला सामने रखा है तो ये इसका जवाब राणा ही अच्छे से दे सकेंगी, क्योंकि उसके बाद उन्होंने वो निधि क्यों नहीं आया, क्या क्या दिक्कतें आ गई, आप उनसे पूछे तो बेहतर रहेगा। उनसे तो मैं पूछ लूँगा, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये संज्ञान में ला रहा हूँ कि इस तरीके की छवि उनकी रही है। नहीं देखिए, ठीक है आप कहते हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा उनकी छवि ये भी है कि वो कोई भी काम करके लाते हैं। भाजपा के मंत्री रहो, भाजपा के MLA रहो, भाजपा का पूरा कुनबा रहो, उनको भी बाजू में रख के CM ने हर बार, फडणवीस साहब ने हर बार उनको कोऑपरेट किया है, ये अपन सभी ने देखे हैं। तो ये भी एक उनकी छवि है। लेकिन उनकी छवि के इतर एज ए रिपोर्टर मुझे बडनेरा में जो 10 सालों का विकास था वो नज़र नहीं आया। एक सवाल आपसे है कि एक राष्ट्रीय पार्टी के कुछ लोग दिल्ली जाते हैं, अपने अपर नेतृत्व से यह मांग करते हैं कि अमरावती लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से जो भी समर्थित उम्मीदवार हो वो कांग्रेस के निशान पे, कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़े, तो फिर क्या हुआ, उस डेलीगेशन की मांग को क्यों नहीं महत्व दिया गया? देखिए, कांग्रेस NCP का जो गठबंधन है तो उस गठबंधन में अमरावती की जो जगह है वो NCP के कोटे में है। तो इसके लिए जो बट नेचुरल जो प्रयास करना पड़ता है वो हमने सब किए, सभी तरफ से डेलीगेशन किए, सारी परिस्थिति हमने ध्यान में ला के दिए कि यहाँ ऐसा ऐसा है, यहाँ NCP के उतनी ताकत नहीं है, कांग्रेस की ताकत है, कांग्रेस का गढ़ ये माना गया है, ये सारी बातें हमने हाई लेवल पे ऊपर कही है। लेकिन हमारे नेताओं को भी आज की परिस्थिति देखते हुए NCP के कोटे से ये जगह होने से वो निर्णय करने का मौका शायद हमारे वरिष्ठों को नहीं मिला, इतना मैं यहाँ कहूँगा। बाकी बातें हाई लेवल की बातें हैं वो मुझे उतनी मालूम नहीं। तो कहीं ऐसा लगता है कि आप लोगों को कि 2014 के बाद जो परिस्थिति बनी उसकी वजह से 2019 के चुनाव में भी कांग्रेस की बार्गेनिंग पावर रीजनल पार्टियों के आगे कहीं कम हो गई है? नहीं, ऐसी नहीं है, ऐसी बिल्कुल नहीं है। आज भी हमारे राष्ट्रीय नेता, उनकी छवि साफ सुथरी है, वो सबसे डायरेक्टली बात करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक बात बताइए, आप कांग्रेस के कार्यकर्ता होने के नाते कितनी सीटों की अपेक्षा है महाराष्ट्र में? नहीं, मैं पूरे महाराष्ट्र में भी पूछ रहा हूँ और पूरे देश, क्योंकि एक पार्टी का अंदरूनी एनालिसिस होता है कि हमारी हद कहाँ तक है, ये पार्टी अपने कैडर के भरोसे पता करती है। देखिए, पूरे देश में हम भी इधर उधर से हमको इंफॉर्मेशन मिलती है, हम पढ़ते हैं, देखते, कई डायरेक्ट बात होती है, तो 275 तक हमारी सीट्स। ये सीटें UPA की रहेंगी या सिर्फ कांग्रेस की रहेंगी? नहीं, ये कांग्रेस की रहेंगी हमारी। और विदर्भ की बात अगर आप कहेंगे तो हमारी जो 11 सीट है उसमें से 8 या 9 सीट आने का कुछ रिपोर्ट भी है ग्राउंड लेवल की, ऐसा मैंने कहना है। पृथक विदर्भ का मुद्दा बड़े ज़ोर शोर से भारतीय जनता पार्टी ने उठाया था,
विदर्भ के साथ क्या हुआ ये हर कोई देख रहा है। क्या आप एक बार विदर्भ को लेकर, विदर्भ की मांग बहुत पुरानी है, विदर्भ को लेकर विदर्भ की जनता में विश्वास जगाने की कोशिश करोगे? देखिए, मैं व्यक्तिगत तौर पर कहूँगा, कांग्रेस पार्टी का शहर अध्यक्ष के नाते से नहीं कहूँगा, मैं व्यक्तिगत किशोर बोरकर अमरावती का नागरिक होने के नाते मैं मेरा मत इस विषय पर दे सकता हूँ कि अलग से विदर्भ नहीं होना चाहिए, महाराष्ट्र के साथ में हम सभी ने रहनी चाहिए। देखिए, जो मुंबई है, पूरे वर्ल्ड में जो कुछ 6-7 अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी मेट्रोपोलियन सिटी है उसमें मुंबई है। अगर विदर्भ अलग से हुआ तो कुछ खास अपने पास नहीं है। आज मुंबई का इतना बड़ा पोटेंशियल, इतना बड़ा रेवेन्यू, वो भी डिवाइड सब जगह होता है। मुंबई बोले तो आज बहुत बड़ा एक मेट्रोपोलियन सिटी है, तो इसीलिए बाकी भी बातें हैं। अगर अलग से विदर्भ हुआ तो ऐसा कुछ खास सोर्स नहीं है जिसके बलबूते पे विदर्भ आगे जाएगा। मैं बता दूं आपको कि मुंबई और पश्चिम महाराष्ट्र की फैक्ट्रियों में बनने वाले माल का 60% से अधिक रॉ मटेरियल विदर्भ से जाता है, चाहे वो कपास हो, चाहे वो खनिज हो, चाहे वो कोयला हो, बहुत सारी चीज़ें। और आप बोलते हो कि शेष महाराष्ट्र से अलग होके विदर्भ के पास कुछ नहीं बचेगा, पूरा तो रॉ मटेरियल यहीं से जाता है। ठीक है, इस बात में मैं स्पष्ट कहूँगा कि हमारे जो कुछ नेता है इसमें पीछे रहे हैं। विदर्भ की इतना बड़ा जो सोर्स है उसको वो डेवलप नहीं कर सके, इस बात में मैं बताने में कुछ मेरे में कुछ हिचक नहीं है। वो करना था, वो क्यों नहीं किया, अभी इसमें जाने की आवश्यकता, कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन वो करना था। हकीकत है, विदर्भ में सबसे बड़ा कपास है, जो आज नए दौर में जो मॉडिफिकेशन में जो सूत गिरने आई हैं, यानी मैंने सुना है कि एक तरफ से कपास डालो उधर से अच्छा खासा कपड़ा निकलता है, वो आज समय की मांग है, वो करना चाहिए। हम भी हमारे लेवल पे इस बात अभी पार्टी के मीटिंग में हम रखेंगे, यही आज मैं यहाँ कहूँगा। घर वापसी का दौर बहुत चला था, क्या इस बार आनंदराव अड़सुल की घर वापसी तय है? बिल्कुल, देखिए वैसे अड़सुल साहब अच्छे हैं, आपसे भी संबंध, मैं भी उनका आदर करता हूँ, वो आदर इसीलिए करता हूँ कि वो सीनियर होने के नाते से, लेकिन अभी वो हमारे यहाँ के नहीं हैं, वो बुल्ढाना में भी 2 बार थे, अभी यहाँ और 2 बार। मैं ये कहूँगा कि उन्होंने अभी सम्मान से उनकी निवृत्ति लेनी चाहिए, अभी यहाँ के हमारे प्रॉपर लोगों को इस जिले का लोकसभा का नेतृत्व करने की संधि उन्होंने भी देनी चाहिए, और लोग भी ये चाहते हैं कि फ्रेश कैंडिडेट, नया कैंडिडेट वो होना चाहिए। अगर नवनीत राणा जीतती हैं, आनंदराव अड़सुल हार जाते हैं, तो कितने मतों की लीड से वो जीतेंगी, क्या उम्मीद है आपकी, क्या आपको ग्राउंड लेवल से आपके कार्यकर्ताओं का फीडबैक है? हाँ, तो देखिए अभी हमारे जो कैलकुलेशन है, हम जहाँ जहाँ मीटिंग्स को जा रहे हैं, जिनसे जिनसे बात हो रही है, होटो का जो कैलकुलेशन है उससे वही बात 1 से 1.5 लाख के फर्क से नवनीत जी तय चुन के आ सकती है। चलिए, जाते जाते एक आखिरी सवाल, अमरावती कांग्रेस के एक धड़े पर पोटे कांग्रेस होने का आरोप लगता है, क्या उसको धुलने में इस बार आप लोग कामयाब रहोगे? नहीं, देखिए वो आप अपने तरीके से, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए हमारी कांग्रेस कमेटी में आप देखेंगे तो सब अच्छे लोग हैं। देखिए हमारे आंदोलन में कांग्रेस पार्टी के जो भी हमारे अच्छे अच्छे आंदोलन हुए हैं, या नागरिकों की समस्या लेके जाकर हम जिन कार्यालय पे गए, कलेक्टर्स पर गए, वाटर सप्लाई के ऑफिस में गए, MACB में गए, इनमें हमको समर्थन देने वाले जैसे अच्छे लोगों के मैं नाम बिताऊंगा 2-3, जैसे माजी कुलगुरु गणेश पाटिल है, डॉक्टर BR देशमुख है, ऐसे लोगों का समर्थन, ऐसे लोग हमारे आज पार्टी में समर्थन दे रहे हैं। और आप जो कह रहे हैं ऐसी तो कोई बात नहीं, ये कोई जुमला भी हो सकता प्रेस का, तो ऐसे मेरे हमारे से तो कोई अभी डायरेक्टली कभी प्रवीण भाव ने हमसे कुछ ऐसा प्रेशर लाया नहीं, या हमारा भी ऐसा कुछ नहीं है, वो किसी और की बात होंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो MLC चुनाव में दिखा था वैसा कुछ नज़ारा? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो जो भी बातें हैं उसका रिपोर्ट्स, उसकी समस्या, उसका सारा रिपोर्ट वरिष्ठों को गया है। जिन देखिए अभी मैं कहना चाहूँगा दर्शकों को, बिल्कुल
कि जिन जिन कांग्रेस में रह के जिन जिन नगर सेवकों ने और सदस्यों ने कांग्रेस के खिलाफ में जो काम किया है उनकी रिपोर्ट्स ऑलरेडी हमने नहीं, ऑलरेडी पार्टी ने भी कुछ गोपनीय तरीके से सर्वे करके उनके नाम पार्टी के हाई कमांड तक गए हैं। और मुझे ऐसा लगता कि बराबर समय देख के उन पर कार्रवाई होगी और होनी भी चाहिए। जिन लोगों ने ऐसा किया उनको शायद, मुझे ऐसा लगता कि इस बार आने वाले कॉरपोरेशन में टिकट भी नहीं मिलेगी, तब उनको मालूम होगा कि अभी तब लोगों को क्या लगता है कि इतना होने के बाद भी पार्टी तो कुछ नहीं कर रही है। लेकिन ऐसा नहीं है, जब टिकट का वाकया आएगा तब कुछ लोग सामने आएंगे, हम भी बताएंगे कि ये गद्दार लोग हैं, इनको टिकट मत दी जाए। तब मैं अगर पद पर रहूँगा तब तक तो मैं ये ज़रूर बात पार्टी के वरिष्ठों के ध्यान में ला के दूंगा। धन्यवाद शेखर जी, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको चुनावों की तैयारियों के लिए। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ अमरावती शहर कांग्रेस अध्यक्ष किशोर बोरकर, जो कि चुनाव से जुड़े मुद्दों पर अपनी बेबाक राय दे रहे थे और हर एक सवाल का जवाब अपने तौर पर देने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन कांग्रेस और यूपीए राष्ट्रवादी की जो तैयारियां हैं वह चुनाव में क्या रंग लाने वाली है? क्या आनंदराव अड़सुल, जिन्हें सतारा सांगली का पार्सल कहा जाता है, वो इस बार अपनी घर वापसी करने वाले हैं या फिर अमरावती ज़िला से संसद भवन में अपनी फिर से हैट्रिक लगाने वाले हैं? यह तो देखने को मिलेगा 23 मई को। लेकिन फिलहाल मेरे साथ इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। मैं आपको एक बार फिर मिलूँगा किसी और शख्सियत के साथ। तब तक देखते रहिए GTPL सेटअप बॉक्स चैनल नंबर 72 और UCN सेटअप बॉक्स चैनल नंबर 81 पर सिर्फ VCN न्यूज। शहर आणि काट शहाचे राजकारण, जनतेच्या प्रश्नांना नेत्यांची उत्तरे, समाजकारण आणि राजकारण, मस्त नेते आणि त्रस्त जनता, काय म्हणतो 5 वर्षांनं दिसणाऱ्या नेत्यांबद्दल समाज। एक बार फिर से अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों पर उछाला जाएगा कीचड़। काय आहेत सर्वसामान्यांच्या समस्या? जनतेच्या तोंड कुणाला? भाजपचे ना युतीला की काँग्रेस राष्ट्रवादी आघाडीला? शय और मात के इस खेल में किसकी बनेगी बात और कौन रहेगा खाली हाथ? प्रत्येक गाँव आणि शहर हमारे, आपकी समस्या जानने के लिए महाराष्ट्रातल्या तमाम जनतेचे प्रश्न घेऊन येत आहोत। बघत रहा निवडणूक रणसंग्राम 2019 फक्त विदर्भ न्यूज आणि VCN न्यूज वरती।